महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। सरकार गठन की बातचीत आखिरी दौर में पहुंच गई है। तमाम गतिरोध के बावजूद भी अगले 48 घंटों में सरकार बनाने पर अंतिम फैसला हो सकता है। इस बीच बीजेपी शिवसेना के बीच कुर्सी की लड़ाई मुंबई से नागपुर संघ के मुख्यालय तक पहुंच गई है। दरअसल शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के सलाहकार किशोर तिवारी ने इस सिलसिले में मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की थी। इसके बाद देर रात देवेंद्र फडणवीस संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए नागपुर पहुंच गए। दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम पद पर फंसे पेज को निकालने के लिए अब संघ ही नैया पार लगा सकता है। लेकिन महाराष्ट्र में कोई भी दल इस मामले में अभी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। लेकिन इसके साथ ही सभी ने यह संकेत भी देना शुरू कर दिया है कि उनके पास सरकार बनाने का प्लान भी तैयार है। साथ ही शिवसेना और बीजेपी दोनों ने अपना स्टैंड सख्त कर लिया है। बीजेपी का कहना है कि उसके पास अभी तक शिवसेना का कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि सरकार उनकी ही बनेगी और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति को जनादेश सरकार स्थापन करने के लिए दिया है। इस जनादेश का आदर करते हुए जल्द ही हम महाराष्ट्र में सरकार स्थापन करेंगे। शिवसेना की ओर से अब तक कोई प्रस्ताव आया नहीं है। वह प्रस्ताव आने के बाद चर्चा कभी भी हम कर सकते हैं। शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, महायुति मिलकर जल्दी से जल्दी सरकार बनाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व में पहले ही डिक्लेयर किया है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र जी रहेंगे। हमारी दल की जो मीटिंग हुई, बैठक हुई, उसमें भी कहा गया कि हमारे नेता देवेंद्र जी है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये तो हमारा क्लियर हमने कह दिया है, साफ साफ कह दिया है। बाकी जो उप मुख्यमंत्री है, बाकी जो पोर्टफोलियो, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन उसके लिए बैठना पड़ेगा, बैठना चाहिए। और उसके बावजूद भी आपका क्या कहना है? आपके तो लोकसभा के टाइम में हमें कहा गया था, किसने कहा, क्या कहा, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है ना। हमारे पूरे दरवाजे खुले चर्चा के लिए, लेकिन खाली हम लोग मीडिया के माध्यम से ही बोले, उससे फिर दो दो बातें ज्यादा कहा जाता है। हमारी तरफ से तो कोई बयानबाजी नहीं हो रही। उधर शिवसेना सीएम पद को लेकर अपनी जिद पर अड़ी है। ठाकरे परिवार के उत्तराधिकार आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की मांग वाले पोस्टर मुंबई में नजर आने लगे हैं। शिवसेना मुख्यमंत्री पद की मांग यानी 50-50 पावर शेयरिंग को लेकर अड़ी हुई है। लेकिन शिवसेना ये दिखाना नहीं चाहती कि सरकार गठन की राह में वो विलेन बनकर खड़ी है। दोनों पार्टी के प्रमुख नेताओं में एक फॉर्मूला तय हुआ था, एक प्रस्ताव तय हुआ था कि 50-50 पावर शेयरिंग, ये जो बात तय हुई थी, यही प्रस्ताव है ना, उसके आगे क्या प्रस्ताव। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ेगी। गृह मंत्री का पद शिवसेना को देने को वो तैयार नहीं है। बाकी पदों 50-50 के फॉर्मूले पर शिवसेना से बातचीत को तैयार है। समर्थन की स्थिति स्पष्ट होने तक खुद सरकार बनाने का दावा नहीं करेगी बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना ने बीजेपी को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। अगर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो शिवसेना का प्लान बी तैयार है। शिवसेना का प्लान बी आखिर है क्या, वो भी जान लीजिए। सरकार बनाने के लिए बीजेपी से समर्थन नहीं लेगी शिवसेना। शिवसेना और एनसीपी की सरकार में कांग्रेस का बाहर से समर्थन हो सकता है। शिवसेना का केंद्र से समर्थन वापस और केंद्रीय मंत्री अरविंद सावंत इस्तीफा दे देंगे। सत्ता के संग्राम में सबसे सेफ गेम खेल रही है एनसीपी। महाराष्ट्र में पल पल बदलते घटनाक्रम के बीच शरद पवार ने अपने सभी विकल्प खुले रखे हुए हैं। फिलहाल वो किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहे, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो फिर से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। जाहिर है जनता को प्रतिनिधि चुने हुए 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। बीजेपी और शिवसेना दोनों इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनके पास सरकार बनाने के लिए अब केवल कुछ घंटों की मोहलत बाकी है, क्योंकि 9 तारीख को विधानसभा भंग हो जाने के बाद उनके विकल्प सीमित रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।